लेकिन तुम्हारे जैसे दलालों को मैं खरे आम सरे भरी सड़क के ऊपर ले जाओ, उसको बाहर ले जाके फेंको, ले जाओ उसको बाहर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मजलिस इत्तेहादुल्मुस्लिमीन के सीनियर लीडर इम्तियाज जलील के खिलाफ एक FIR दर्ज हो चुकी है और बीजेपी के लोगों और इम्तियाज जलील का जब आमना सामना हुआ किस तरह से इनके साथ धक्का मुक्की की गई वो वीडियो भी इन्होंने दिखाया है। इम्तियाज जलील के खिलाफ बहुत ही बड़ी साजिश रची गई, यहाँ तक कि इनका कहना है कि खुलेआम पैसे बांटे गए वो वीडियो तक इन्होंने बता दिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अपने मदीना के पास एक शॉप है जिसका नाम है न्यू लुक सूट्स एंड साड़ीज, यहाँ पर जबरदस्त ऑफर चल रहा है। रेडीमेड अगर आप कॉटन के कपड़े लेंगे 399 में आपको मिल जा रहे हैं, ड्रेस मटेरियल मिल रहा वो भी ब्रांडेड और पाकिस्तानी ब्रांडेड रेडीमेड ड्रेस मटेरियल होना वो भी 999 में मिल जा रहा। और दुल्हन के कपड़े लेने का प्लान कर रहे दुल्हन के कपड़ों पे तो जबरदस्त ऑफर है, शादी के कपड़े लिए तो वलीमे के फ्री मिल रहे। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू लुक सूट एंड साड़ीज हैदराबाद मदीना बिल्डिंग। हमारे पास ऑफर चलने वाला है आपको रेडीमेड कलेक्शन 3 पीस का कलेक्शन होने वाला है, सिर्फ और सिर्फ 399 पीस में रेडीमेड कलेक्शन होने वाला है। ये चेक कर सकते हैं इस टाइप के पैटर्न से है, टॉप बॉटम दुपट्टा मिलने वाला है, पाकिस्तानी में मटेरियल होने वाला है, यानी कि ब्रांडेड क्लॉथ होने वाले, रिलायंस के ब्रांडेड होने वाले, ओनली 999 में ये वाली कलेक्शन देखने मिल जाएगी। ऑर्गेंजा और जॉर्जेट फैब्रिक इस टाइप की कलेक्शन मिलने वाले आपको, बहुत ही प्यारे प्यारे ब्रांडेड मार्केट में 1800-1900 के आइटम्स आपको 999 में मिलने वाले। ये वाली कलेक्शन 999 होता है, रेडीमेड ब्रांडेड होने वाले, जहा रिलास 999 में ये वाली कलेक्शन मिलने वाली है। ये चेक करिए, सिर्फ और सिर्फ 999XL XXL साइज अवेलेबल है। शॉप पर विजिट करिए, हैदराबाद मदीना बिल्डिंग, इस टाइप की कलेक्शन देखने मिल जाएगी 999 में। ये वाली कलेक्शन चेक करिए, 999 में होने वाले आपको बहुत ही प्यारे प्यारे कलेक्शन, ब्रांडेड क्लॉथ होने वाले 999 में। स्क्रीन पे भाई का नंबर अवेलेबल है, लिमिटेड पीरियड ऑफर है, मदीना पे आके ऐसा लुक डालते कि न्यू लुक तो आपको नजर आता। और जो लोग नए नए आए चैनल के ऊपर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे उनसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो देखते हैं। उल्टा पुलिस वालों ने मेरे ऊपर है तो आज FIR रजिस्टर कराए है, जबकि पूरा एविडेंस आपके पास है। 3 बजे के बाद दलित बस्तियों में जिस तरीके का पैसा पहुंचाया गया, मुसलमानों के 3 उम्मीदवार को कल 3 बजे पैसा पहुंचाया गया अतुल सावे के, और वो तीनों को यह कहा गया कि आपको करना कुछ नहीं है, वोटिंग किसको हो रही है, सिर्फ जाके आपने मोहल्लों के अंदर हंगामा करना। नारेगांव में झगड़ा किया गया, खैसर कॉलोनी के अंदर जाकर हंगामा किया गया। 3 बजे इनके पास पैसा आया था कि मतलब सिर्फ आपको हंगामा करवाना है लड़कों को लेकर। अब मैं आपको एक एक वीडियोस में बता रहा हूं, वो वीडियोस आप गौर से देखें, और उम्मीद करता हूं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, अब हमने ये वीडियोस पूरे के पूरे वीडियोस, देखिए पहला वीडियो जो है ये जो टकले साहब है व्हाइट शर्ट के अंदर, ये पैसों का बंडल है इनके हाथ में। ये है जो पैसा बांट रहे हैं, अंबेडकर नगर में जो कॉर्पोरेटर रहे हैं वहां के महेंद्र सोनावने, इनके भाई है जितेंद्र सोनावने, ये पैसा बांट रहे हैं। पूरी महिलाओं को रोक कर रखा गया था कि वोट डालने जाना नहीं, आपका पैसा आ रहा है भाजपा की तरफ से, आप रुकिए। महिला गई नहीं, आप अगर पूरा फुल वीडियो अगर देखेंगे वो जो मैंने मेरे ट्विटर के ऊपर, मेरे फेसबुक पेज के ऊपर भी डाला हूं, साफ तरीके से आप सुबह से रोक के रखे हैं। आप सुबह से लोगों को रोक के रखे कि वोट डालने जाना नहीं, अतुल सावे के पास से पैसा आने वाला है। महिला ज्यादा हो गई, नोट के बंडल उनके हाथ में जब कम नजर आए तो महिलाओं ने लिटरली खींचना शुरू कर दिया, और बाद में यही महाशय वहां के लोगों को पीट रहे हैं। ये कौन सा वीडियो चलेगा? नहीं, ये इसको जरा होल्ड करिए, इसको नहीं, ये भी नहीं, हाँ ये भी नहीं। ये है तो झुंड में जमा करके महेंद्र सोनावने,
और उनका भाई मोटरसाइकिल के ऊपर जाता है तो क्या चिल्लाते हुए जाता है देखिए। ये महेंद्र सोना अपने जो हाथ बता रहे हैं देश के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। ये पैसा बांटने वाला थोड़ा सा रिमाइंड करिए। हाँ होल्ड, ये है वो महाशय जो अपने समाज की माओ और बहनों को 500-500 रुपये में बेचने का काम कर रहे हैं। 500-500 रुपये में कमाल 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 500-500 रुपये में इन्होंने अंबेडकर नगर की महिलाओं को बेचने का काम किया है। ये उनके लिए काम कर रहे हैं जो देश का संविधान बदलने की भाषा कर रहे हैं। दलित समाज के अपने आप को नेता कहने वाले लोग महज 500 रुपये एक एक पुरुष एक एक महिला को देकर ये संविधान का सौदा करने वाले भारतीय जनता पार्टी के ये नेता है। चलिए दूसरा वीडियो बताइए, इससे पहले वाला जो बता नहीं उसके आगे वाला वीडियो। हाँ ये देखिए, एक सेकंड इसको होल्ड करिए। ये जो वीडियो है, ये वीडियो है एडवोकेट अरविंद डोंगांवकर, ये भारतीय जनता पार्टी के एक सेल के प्रमुख है। इनका ऑफिस जो है वो जवाहर नगर पुलिस स्टेशन के दुनिया चढ़ रहे हैं हमारी टीम। ये बुरखे में आपको दिख रहे हैं, ये जो लड़का है इसके हाथ में इलेक्शन कार्ड, ये एजेंट था। और ये कानून के रखवाले जो होते हैं, कानून के लिए वर्दी पहनकर कानून की रक्षा करने की जिम्मेदारी जिनकी है, ये अरविंद डोंगांवकर अपने ऑफिस में लगातार सुबह से लेके दोपहर तक इनका यही काम था कि ये ऑफिस में बैठे बैठे महिलाओं को लेके आना। वो जो लड़का आपने देखे है वो दलाली का काम कर रहा था, मुस्लिम लड़का है। एक एक महिला के पीछे इनको कमीशन भी दिया जा रहा था, जो लड़के महिलाओं को लेकर आ रहे थे तुम इतने लेके आना हम तुमको इतना कमीशन देंगे करते। हम वकील भी कर रहे हैं उन्हें, इलेक्शन के दिन वकील भी कर रहे हैं। होल्ड करिए। देखिए जब ये बहस चल रही थी तो जालिंदर शेंडगे के साथ जितने भी लोग आए थे वो वहां पे नारा लगाना शुरू कर दिए। नारा क्या था? जय श्री राम। आप सुनिए, थोड़ा सा रिमाइंड करिएगा। मैं जब पुलिस वाले को, ये ऐसी महिलाएं जो है इलेक्शन के दिन इनको इनकी औकात समझ में आएगी। ये शकीला पठान जैसे लोग जो है ये भीड़ से आके कितना पैसा मांग रही थी ये बैठने के लिए। सर आप अपने लोगों को बताएंगे? मैं क्या पैसे हराम के पैसे दूंगा ऐसे लोगों को? मैं आपको इलेक्शन के दिन, आप उनके रिश्तेदार लग रहे हैं, आपको इलेक्शन के दिन पता चलेगा। सुनिए सुनिए, आपके जैसे पत्रकारों को भी मैं अच्छी तरीके से हैंडल करता हूँ। आप मुझे मालूम है आपको शकीला पठान को आपने वोट दिए अगर होंगे तो आपको 23 तारीख के दिन समझ में आएगा ये महिला कितने लाख लोग वोट लेती है या सिर्फ इसको हराने के लिए खड़ा किया गया था। और आप जैसे जो पत्रकार है ना साहब, मुझे मालूम है, मुझे सिखाइए मत, मेरा मुंह खोलने मत लगाइए कि आप लोग डॉक्टर गफ्फार कादरी से कितना पैसा लेकर बैठे हुए थे। समझ रहे? बकवास बंद करिए, बकवास बंद करिए। आप जैसे यूट्यूबर्स को मेरे को मालूम है कि आप कितने में दिखते हैं करके। चलिए रखिए, खामोश बैठिए। इसको उठाकर बाहर ले जाइए, ले जाओ इसको बाहर, ले जाके फेंको इसको।
यूट्यूबर्स ले जाए इसको, मैं तुझे नहीं कहा हूँ, मैं मीडिया की में रह चुका हूँ, मैं इज्जत करता हूँ, लेकिन तुम्हारे जैसे दलालों को मैं खरे आम सरे भरी सड़क के ऊपर ले जाओ, उसको बाहर ले जाके फेंको, ले जाओ उसको बाहर, ले जाओ उसको बाहर, ले जाओ। खासकर इम्तियाज जलील को हराने के लिए एडी चोटी का जोर लगा दिया गया है। किस तरह से आप लोगों ने तमाम वीडियोस देखे, एविडेंसेस देखे, आप लोगों की क्या राय, इससे मुतालिक कमेंट जरूर करिए। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।